तो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आज हम लोग फिर से लौटे हैं एक नई GTA वीडियो के साथ, जहाँ पे आप देख ही सकते हो भाई अपनी सारी इंडियन कार्स यहाँ पे खड़ी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग का ट्रैक बनाया गाइस आज हम लोग ने। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस ये वाला ट्रैक, यहाँ से ये सारी इंडियन कारों को गाइस ये ऊपर चढ़ना है, और गाइस जो भी कार ये सबसे ऊपर टॉप पर पहुँच जाएगी गाइस वो हो जाएगी हमारे आज के वीडियो की विनर। गाइस देखते हैं भाई इनमें से कौन सी इंडियन कार भाई ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है कम्प्लीट। तो गाइस ये ट्रैक आपको जैसे दिख रहा है काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन गाइस ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, क्योंकि गाइस ये ऊबड़ खाबड़ वाला ट्रैक है गाइस, सीधा सीधा नहीं है, ऊपर से पूरा मड है पूरा यहाँ पे। तो गाइस देखते हैं भाई इनमें से कौन सी कार भाई ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है कम्प्लीट। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेफ्ट साइड से। तो गाइस शुरू करते हैं भाई हमारी पहली कार से, जो है अपनी किया की सेल्टॉस। तो गाइस देखते हैं भाई सेल्टॉस ये वाली जो चैलेंज है वो कर पाती है या नहीं। गाइस तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है भाई, आप देख ही सकते हो गाइस रास्ता काफ़ी ऊपर नीचे है गाइस यहाँ पे। गाइस हमें बिना रुके जाना है यहाँ पे, देखते हैं गाइस ये सेल्टॉस ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है या नहीं। ऊपर जाते ही भाई ये जो ट्रैक है जो स्लोप है भाई वो और भी डेंजर बढ़ता जाएगा गाइस, आप देख ही सकते हो यहाँ पे स्लोप बढ़ता जा रहा है भाई, बहुत ही डेंजर है। आप देख ही सकते हो भाई जैसे अपना आगे जा रही है गाड़ी, यहाँ पे थोड़ा पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा है गाइस, यहाँ पे थोड़ा लोड ले रही है भाई गाड़ी, जैसे कि आप देख ही सकते हो गाइस इसका जो इंजन है भाई वो थोड़ा सा मतलब स्पीड थोड़ा कम होते जा रहा है जैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो गाइस स्पीड कम होते जा रही है, फिर भी गाइस ये काफ़ी अच्छी चल रही है फिलहाल। तो देखते हैं गाइस ये वाली जो चैलेंज है वो कर पाती है। यहाँ पे जाके गाइस पूरा टायर में दिक्कत आ रही है गाइस, यहाँ पे स्किड मारना चालू कर दिया है भाई अपनी सेल्टॉस ने, और गाइस सैडली भाई हमारी जो सेल्टॉस है गाइस वो यहाँ पे आके फेल हो चुकी है, आप देख सकते हो गाइस नीचे जा रही है। तो भाई अपनी जो सेल्टॉस है भाई वो हो गई है ये वाले चैलेंज में फेल। गाइस पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर। तो गाइस जैसे आपने देखा भाई अपनी जो सेल्टॉस थी वो हो चुकी है फेल गाइस। तो गाइस सारी कारों को एक ही चांस मिलने वाला है गाइस, सेकेंड चांस नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि गाइस ये काफ़ी लंबा ट्रैक है, और अगर सबको सेकंड चांस देते रहे तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा गाइस। तो देखते हैं भाई अपनी जो ये फॉर्चुनर है भाई ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है या नहीं। और भाई फॉर्चुनर काफ़ी अच्छी जा रही है फिलहाल, और गाइस एक SUV गाड़ी है भाई, तो थोड़ी बहुत अपन इसको मतलब इस पर अपन रिलाई कर सकते हैं। आप देख ही सकते हो गाइस काफ़ी जा रही है अच्छी तरीके से भाई, अभी तक तो बहुत ही सही जा रही है। पता नहीं गाइस आगे ये चढ़ पाएगी या नहीं। बेसिकली ये वाले जो कार्स होते हैं भाई ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही सही रहते हैं गाइस, तो हो सकता है गाइस ये वाली जो चैलेंज है भाई वो कर पाए हैं। और गाइस यहाँ पे आके दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है, और गाइस गियर बदल दिया है भाई इसने, और भाई यहाँ पे आके फंस गई है गाइस। और भाई अपनी जो फॉर्चुनर है भाई वो भी हो चुकी है ये वाले टेस्ट में फेल, आप देख ही सकते हो मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन ये नीचे नीचे जा रही है, लेकिन गाइस थोड़ा बहुत चांसेस लग रहे हैं मुझे यहाँ से, लेकिन भाई ये नीचे जाते जा रही है गाइस, तो ये स्लिप हो चुकी है भाई। तो गाइस सैडली अपनी फॉर्चुनर भी ये वाला जो चैलेंज है भाई वो नहीं कर पाएगी, तो गाइस फॉर्चुनर हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड। तो गाइस इसको पार्क करके भाई बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग बढ़ते हैं अपनी थर्ड कार की ओर, जो है अपनी मारुति की स्विफ्ट। तो भाई देखते हैं भाई ये स्विफ्ट कौन से कहाँ तक पहुँच पाते हैं गाइस, अभी तक तो कोई भी कार ने ये वाला चैलेंज नहीं किया है कम्प्लीट, काफ़ी टफ चैलेंज है भाई ये, और ऊपर से गाइस स्लोप तो है, ऊपर से ऑफ रोडिंग है भाई पूरा का पूरा, पूरा ऊपर नीचे है भाई, सीधा ट्रैक नहीं है ये, आप देख ही सकते हो गाइस काफ़ी ऊपर नीचे है यहाँ पर, छोटे मोटे ये अपने माउंटेंस तो नहीं बोल सकते, छोटे मोटे काफ़ी उबड़ खाबड़ है भाई ये वाला जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट 50 के स्पीड पर भाई यहाँ पर आके थोड़ी दिक्कत आ रही है गाइस, यहाँ पर आप देख ही सकते हो काफ़ी दिक्कत आ रहा है इसको, यहाँ पर थोड़ा अपन लेफ्ट साइड से निकालते हैं यहाँ पे इस बार, देखते हैं गाइस स्विफ्ट कहाँ तक पहुँच पाती है गाइस, अभी तक तो अपनी फॉर्चुनर और भाई अपनी सेल्टॉस हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, यहाँ पे आके दिक्कत देना स्टार्ट कर दिया है गाइस यहाँ पे गाड़ियों ने, यहाँ पे आके भी सेल्टॉस भी इधर ही आके भाई दिक्कत दे रही थी गाइस, सेल्टॉस थोड़ी आगे गए थे गाइस, लेकिन भाई अपनी स्विफ्ट भी हो चुकी है यहाँ पे आके फेल गाइस, कोई भी कार चढ़ने का नाम नहीं ले रही गाइस, अभी आप देख ही सकते हो गाइस स्विफ्ट कैसे फेल हो गई। तो भाई लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर, जो है अपनी मारुति की वैगनार गाइस। तो वैगनार काफ़ी सही गाड़ी है भाई ये, लेकिन गाइस देखना होगा कि भाई ये वैगनार ये वाला चैलेंज कर पाती है या नहीं, अभी तक तो भाई सारी फॉर्चुनर जैसी कार्स फेल हो चुकी है गाइस, तो डाउटफुल है भाई ये वैगनार ये वाला चैलेंज कर पाएगी कम्प्लीट, ये कार कम्प्लीट ये चैलेंज कम्प्लीट करने के लिए भाई 4x4 होना मेरे हिसाब से शायद ज़रूरी है गाइस, पता नहीं गाइस देखते हैं भाई क्या होता है अपने वैगनार का हाल।
स्विफ्ट भी हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड, पता नहीं भाई शायद से वैगनर तो अभी तक फिलहाल बहुत ही सही जा रही है, तो हो सकता है कैसे लीड ले ले भाई स्विफ्ट को, एटलीस्ट स्विफ्ट से आगे जाना चाहिए भाई ये। गाइस अभी जो लेवल सबसे खतरनाक वाला स्लोप है भाई वो आना स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, आप देख ही सकते हो थोड़ा ये बार ये साइड से जाएंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ है भाई, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे स्पीड हो चुकी है कम भाई, फुल ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे आके भाई स्पीड मारना शुरू हो गई है भाई, यहाँ पे आप देख ही सकते हो नीचे पूरा भाई मिट्टी है, पूरा पूरा रोड मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए भाई अपनी जो वैगनर है भाई ये भी धोखा दे गए गाइस और ये हो चुकी है फेल, तो भाई इसको भी लगा देंगे भाई साइड में और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो गाइस चारों की चारों गाड़ियाँ अभी तक फेल हो चुकी है भाई, मेरे को लगता है भाई बहुत ही कम काज ये वाला जो चैलेंज है वो करने वाली है कम्प्लीट, तो भाई बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग अपनी जो नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी टाटा की पंच, तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई, देखते हैं भाई ये क्या कमाल करती है, काफ़ी अच्छा पिकअप है भाई, हो सकता है ये कर जाए, स्पीड अच्छा है इसका, बहुत ही सही चल रही है फिलहाल भाई, शॉक है जो बस काफ़ी तगड़े है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ओहो क्या बात है गाइस अभी तक काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे रही है भाई ये गाड़ी, मेरे को तो लग रहा है सबसे आगे जाएगी ये वाली, भले ये कंप्लीट ना कर पाएगा लेकिन मेरे को तो लग रहा है ये अभी जितने भी कार थे उनसे तो कम से कम आगे जानी है, अबे यहाँ पे आके भाई फंस गई गाइस, गाइस सीधी होने दो इसको थोड़ा ट्राई करेंगे गाइस, यहाँ पे आके भाई ये उल्टी हो गए गाइस और शायद से भाई इसी कारण अपने को इसको करना पड़ेगा डिस्क्वालीफाई, देखते हैं गाइस चढ़ते हैं कि अरे भाई चढ़ गए क्या बात है गाइस, ये उल्टी होने के मैं तो अभी इसको डिस्क्वालीफाई करने वाला था लेकिन गाइस पूरा का पूरा मोमेंटम इसका टूट चुका है भाई, देख ही सकते हो गाइस पूरा मोमेंटम टूट चुका है यहाँ पे आके भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक्स पड़े हुए हैं भाई, इसके पहले के जितने भी कार्स आए थे उनके ट्रैक यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अपनी सेल्टॉस के पूरे ट्रैक थे, यहाँ पे आके सेल्टॉस बंद पड़ गए थे अपने, और भाई ये टाटा की पंच में भाई ये वाला लेवल भी किया है कम्प्लीट, वो भाई साहब टाटा पंच तो भाई बहुत ही सही चला रही है भाई, क्या बात है भाई, यहाँ पे आके थोड़ी दिक्कत हो रही है भाई टाटा पंच को, क्या होने वाला है भाई देखना होगा, और क्या बात है भाई टाटा पंच ने भाई ये वाला चैलेंज कर दिया है कंप्लीट गाइस, तो टाटा पंच अपनी भाई पहली कार बनती है भाई ये वाला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए गाइस, तो इसको लगा देंगे हम लोग इधर, और भाई टाटा पंच के लिए भाई एक लाइक तो बनता है बॉस, तो गाइस इसको हम लोग लगा देंगे इधर और भाई बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर, तो गाइस आप देख सकते हो भाई काफ़ी स्लिपरी ट्रैक है भाई, मड है ऊपर से भाई पूरा का पूरा स्टोन है छोटे मोटे, काफ़ी भाई ठंडा ऑफ रोडिंग होता है भाई ये वाला चैलेंज, गाइस टाटा पंच अपनी पहली कार बन चुकी है भाई ये वाला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए गाइस, तो पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार जो है अपनी एंडीवर, तो गाइस एंडीवर ने स्टार्ट कर दिया भाई आप देख ही सकते हो काफ़ी सही जा रही है गाइस, ये तो भाई इसका सस्पेंशन के लिए जानी जाती है गेम में, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली भाई ये सब पार कर रही है, इसके ऑफ रोडिंग फीचर्स बहुत ही सही है भाई, हो सकता है ये भी कर जाए, बस अभी देखना होगा कि गाइस का स्पीड काम आता है कि नहीं, क्योंकि गाइस ये वाला चैलेंज करने के लिए भाई स्पीड की काफ़ी ज़रूरत है, विदाउट स्पीड ये वाला चैलेंज कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है भाई, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है गाइस विदाउट स्पीड का ये चैलेंज कंप्लीट करना, देखते हैं भाई ये जो एंडेवर है भाई ये वाला चैलेंज कर पाती है या नहीं, अभी तक भाई सिर्फ एक ही कार ने ये वाला चैलेंज किया है कम्प्लीट, और कोई भी अभी तक SUV जो कार्स होते हैं भाई उसने ये वाला चैलेंज नहीं किया है, तो हो सकता है भाई ये अपनी एंडीवर पहली कार हो ये वाला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए, अभी गाइस ये फिलहाल तो भाई बहुत ही सही जा रही है, अभी तक तो काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिया है भाई इसने, और गाइस यहाँ पे स्लिप मारना स्टार्ट हो चुका है गाइस, ये काफ़ी मड का इशू आ रहा है यहाँ पे, लेकिन गाइस इसका ट्रैक्शन बहुत ही सही है भाई, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई साहब, और भाई ये फूल गई है गाइस, एंडेवर भी बनती है अपनी पहली SUV भाई जिसने ये वाला चैलेंज किया है कंप्लीट, काफ़ी हैवी होने के बावजूद भाई ये वाला चैलेंज किया है कंप्लीट, बहुत ही सही ऑफ रोडिंग की है भाई अपनी एंडेवर ने, तो गाइस एंडेवर को भी अपन लगा देंगे इधर और भाई पढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर जो है अपनी मारुति की बलेनो, ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है भाई, पिकअप काफ़ी सही है इसका भी, तो हो सकता है भाई ये भी कर जाए ये वाला चैलेंज कम्प्लीट, तो अभी देखना है कि गाइस इसका ऑफ रोडिंग का थोड़ा फीचर्स थोड़े बहुत कम है गाइस, क्योंकि काफ़ी छोटी गाड़ी है, देख सकते हो कि रॉकेट की तरह जा रही है ये, तो इससे आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि गाइस ये भी शायद चैलेंज ये वाला कंप्लीट करने ही वाली है, अब देख सकते हो गाइस अभी बस यहाँ पे उल्टी पुल्टी ना हो जाए, क्योंकि गाइस इसको ऑफ रोडिंग में इतना इंटरेस्टिव नहीं है यहाँ पर, अब देख सकते हो गाइस थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है इसको यहाँ पर, लेकिन गाइस सब चीखते हुए भाई आगे निकल रहे गाइस, तो कोई भी सही प्रॉब्लम नहीं आ रहा है गाइस,
मड़का भी कुछ इशू नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन है गाइस इसका, देख ही सकते हो काफ़ी सही जा रही है भाई ये वाली को, बलेनो है, मज़ा आ गया भाई इसको चलाते गाइस। अभी तक सबसे स्मूथली मेरे को तो लगता है बलेनो ने किया ये वाला चैलेंज, अभी अब तक कम्प्लीट नहीं किया लेकिन गाइस अभी ऑलमोस्ट पहुँच ही गई है भाई। गाइस बलेनो भी बनती है अपनी थर्ड कार्ड टू कम्प्लीट दिस चैलेंज, बहुत ही सही बहुत ही आसानी से कर दिया है भाई, क्या क्या बात है भाई गाइस। तो बलेनो अगर आप बलेनो के फैंस हो तो गाइस बलेनो के लिए भाई एक जाके फटाफट लाइक कर दो भाई नीचे, और कमेंट करके बताना गाइस आपको इन तीनों में से अभी तक का परफॉर्मेंस किसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो भाई लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर जो है अपनी हुंडई की i20। तो गाइस देखते हैं भाई i20 वाला जो चैलेंज है वो कर पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा पानी आ चुका है गाइस, कोई बात नहीं, पानी को चीरते हुए निकल गए हैं भाई अपनी i20। और भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे भाई ऊबड़ खाबड़ के वजह से, बहुत ही दिक्कत आ रही है यहाँ पे i20 को, काफ़ी लो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, इसी कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है भाई अपने i20 को। ओ भाई ये तो पलटी होने वाली है गाइस, और ये मोमेंटम टूट चुका है भाई अब इसका, अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो भाई पूरे टायर की पूरी बैंड बज रही है, स्लिप मार रहा है पूरा टायर ऐसा, काफ़ी भाई ऑफ रोडिंग बहुत ही डेंजर है गाइस इसका, यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ओ भाई ये जंप मारना पड़ेगा यहाँ पे, क्या बात है गाइस, तो i20 अभी तक तो फिलहाल मस्त चल रही है फिलहाल। और गाइस यहाँ पे आके भाई स्पीड की बैंड बच चुकी है इसकी पूरी की पूरी, अभी पूरी भाई मट्टी के वजह से भाई पूरे टायर फंस रहे हैं इसके, बहुत स्लिप मार रहा है गाइस, पावर पूरी निकल चुकी है गाइस, मेरे को नहीं लगता गाइस ये पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अगर कर दिया तो गाइस बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा अपने, अभी तक तो भाई पहुँच चुकी है भाई ऑलमोस्ट, थोड़ा ही रह गया है भाई अभी डिस्टेंस, बस देखना है कि भाई यहाँ पे आके भाई फंस गई, आप देख सकते हो धुआ धुआ हो गया भाई पूरे अंदर अंदर से भाई, आग वाग ना लग जाएगा इसको, छोड़ो भाई इसको यहाँ से आप देख सकते हो गाइस पूरा काला धुआ आ रहा है, टायर घिस चुके हैं लिटरली इसको, गाइस इसको अपन लगा देंगे नीचे भाई, पड़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर जो है अपनी ह्यूंडई की वेन्यू गाइस, तो ये भी काफ़ी सही गाड़ी है, क्लियरेंस भी काफ़ी सही है और पावर भी बहुत ही ज़्यादा है भाई, तो मेरा तो भाई बैठ है भाई ये वाली जो चैलेंज है भाई, ये बलेनो की तरह स्मूथली कंप्लीट करने वाली है, यहाँ पे सिर्फ स्पीड की दिक्कत है गाइस, अभी आप देख सकते हो गाइस अजय स्पीड की वजह से थोड़ा दिक्कत आ सकता है इसको, क्योंकि गाइस ये काफ़ी ऊपर खाबड़ वाला ट्रैक है भाई, आप देख सकते हो पूरा ऑफ रोडिंग है भाई, थोड़ी बहुत दिक्कत आनी है इसको यहाँ पे, अरे भाई ये देख सकते हो आप स्पीड की वजह से दिक्कत आ रही है गाइस, और भाई ये उल्टी हो चुकी है भाई, और देखते हैं क्या होता है, अरे भाई पाँच पाँच स्पीड है गाइस, तो मोमेंटम पूरा टूट चुका है गाइस, फिर भाई अपने को थोड़ा बहुत संभाल के लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि गाइस ये इसका सस्पेंशन इतना ठीक नहीं है स्पीड के हिसाब से, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है गाइस, सस्पेंशन वीक है गाइस, और ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है, आप देख सकते हो काफ़ी हिलती है भाई, उसी कारण भाई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है इसको, लेकिन गाइस इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा तो बैठा है भाई ये कम्प्लीट करने वाले, इसके बाद भी बस ये उल्टी ना हो जाए यहाँ पर, बस वही देखना है अपने को। और भाई ये ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो गाइस, तो गाइस अपनी वेन्यू बनती है भाई फोर्थ कार आई थिंक, हाँ भाई फोर्थ कार है भाई कंप्लीट करने के लिए, गाइस देख सकते हो अभी तक सिर्फ तीन ही कार ने ये वाला चैलेंज किया, और भाई अपनी जो वेन्यू है भाई ये फोर्थ कार बनती है, तो गाइस इसको हम लोग लगा देंगे इधर और भाई बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार है वो है अपनी XUV 700, तो गाइस ये भी काफ़ी अच्छी है भाई ऑफ रोडिंग के लिए, गाइस देखते हैं भाई लेकिन ये कंप्लीट कर पाएगी या नहीं, अभी तक तो फिलहाल सही जा रही है गाइस, लेकिन भाई आप देख सकते हो गाइस काफ़ी हिल रही है भाई, सस्पेंशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते गाइस इसको, लेकिन गाइस ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही सही है गाइस, ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं कार, हो सकता है भाई ये चैलेंज कम्प्लीट कर दिया, अभी सिर्फ यहाँ पर तो कोई भी कर लेगा गाइस, लेकिन जो ऊपर का जो मेन स्लोप है गाइस वो कंप्लीट करना थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है गाइस, यहाँ पे इसको थोड़ी बहुत दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो स्पीड कम हो रही है भाई इसकी, और थोड़ा इंजन पे लोड आ रहा है मुझे यहाँ पे अभी फील हो रहा है गाइस, अब भाई कंट्रोलर वाइब्रेट हो रहा है, तो मेरे को लगता नहीं है कर पाएगी ये कम्प्लीट, लेकिन गाइस कुछ बोल नहीं सकते गाइस, शायद से 4x4 है ये, शायद कर ले भाई, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई टायर स्लिप होना स्टार्ट कर दिया है भाई, और गाइस ये धीरे धीरे भाई कछुए जैसे चल रही है गाइस, यहाँ पे आके भाई थोड़ी दिक्कत दे रही है, लेकिन गाइस इसने कैसे भी करके मेंटेन किया है भाई स्पीड को, गाइस शायद से ये
एक गियर नीचे कर दिया गया जिसने, और भाई ये उड़ चुकी है गैस। तो मेरे को लग रहा है अभी ये शायद से कर जाएगी कंप्लीट, पता नहीं गैस। इसमें एक अच्छा फीचर है शायद से, क्योंकि जैसे इसका लोड आना चालू किया था गैस, इसमें पता नहीं क्या हो गया, अचानक से इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गई ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वापस कम होने स्टार्ट हो गए। तो इसे देखना होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप गैस। ओ भाई यहाँ पे आके अटक गए शायद से। ओहो भाई 2700 शायद से हो चुकी है, फिर आप देख सकते हो नीचे जा रही है। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा भाई, इंजन बंद हो गया लगता है इसका। गैस मैं फुल एक्सेलेटर दे रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा गैस। आप देख सकते हो गैस लोग कितना डेडली है गैस। यहाँ से आप नीचे आप देखोगे तो भाई फट जाएगी आपकी गैस। छोड़ो भाई इसको, तो भाई अपनी SUV 700 हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड। तो भाई लोग अपनी SUV 700 हो चुकी है डिस्क्वालीफाइड। तो गैस बढ़ते अपनी नेक्स्ट कार के जो है अपनी टाटा की नेक्सॉन। बस देखते हैं नेक्सॉन ये वाला चैलेंज कर पाती है या नहीं। मेरे को तो काफ़ी उम्मीद है भाई ये नेक्सॉन से, लेकिन भाई देख सकते हो काफ़ी छोटी गाड़ी है गैस। तो शॉक एब्जॉर्बर्स को इसके कोई जो ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया है उसको सहना मुश्किल है गैस। देखते हो आप ऊपर नीचे हो रही है गैस। और गैस यहाँ पे थोड़ा इंजन का लोड आना स्टार्ट हो चुका है मेरे को फील हो रहा है भाई अपने कंट्रोलर में। लेकिन गैस ये चीखते हुए चला रही है भाई अभी तक, तो सारे ऑब्स्टेकल भाई पार कर दिया है भाई इसमें। देख ही सकते हो गैस काफ़ी भाई डेडली ट्रैक बनाया है भाई ये वाला, पूरा का पूरा ऑफ रोड ही है भाई। गैस देखते हैं भाई क्या होता है अभी इसका हाल। आप देख ही सकते हो गैस काफ़ी प्रेशर आ रहा है भाई इस पर, इंजन काफ़ी प्रेशर सहन कर रहा है गैस इसका। अभी तक तो गैस काफ़ी आगे आ चुके हैं गैस, ऑलमोस्ट पहुँचने वाले गैस। यहाँ पे आके धोखा ना दे जाएगा, स्पीड कम होते जा रहा है भाई। स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे। ओ भाई ये सबसे डेडली वाला आ चुका है, यहाँ से थोड़ा क्रॉस में जाएंगे हम लोग। ये एक बार पार कर गया तो कहीं हो जाएगा पार। बड़ी दिक्कत आ रही है भाई यहाँ पे आगे स्लिप। ओहो चढ़ जा फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ मैं गाइस। शायद से अपनी नेक्स्ट वन ने भी ये वाला चैलेंज कर दिया है कम्प्लीट। ओहो क्या बात है गाइस, तो नेक्सॉन ने बहुत ही मर मर के इसे लेकिन भाई इसके वाला चैलेंज कर दिया कंप्लीट। यहाँ पे पूरी पावर निकल चुकी है गाइस इसकी इंजन की। गाइस नेक्सॉन बनती है अपनी 5th कार टू कंप्लीट दिस चैलेंज। तो गाइस नेक्सॉन को हम लोग लगा देंगे इधर साइड में और भाई पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर जो है सबकी फेवरेट अपनी थार। भाई ये तो 4x4 है गाइस, तो ये वाला चैलेंज करना है कंप्लीट कैसे भी करके गाइस, क्योंकि अभी भाई ये नेक्सॉन वेक्सॉन सब फालतू फालतू कार्स में भी ये वाला चैलेंज। तो गाइस ये तो बननी है ऑफ रोडिंग के लिए, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं भाई थार ये वाला चैलेंज करते हैं या धोखा देते हैं अपनी। अभी तक तो काफ़ी सही जा रही है, देखो अभी तक प्रेशर इतना फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आके मैक्सिमम का इसका प्रेशर फील होना चालू होता था भाई, इंजन रोड लेता था। लेकिन भाई अपनी थार बहुत ही सही तरीके से जा रही है फिलहाल। अभी तो मेन ये तो मेन ट्रैक है भाई, अभी यहाँ पे स्लोप आना स्टार्ट होने वाला है गैस। तो यहाँ पे देखना होगा कि अपनी थार कैसा परफॉर्म करती है। थोड़ा पिकअप है, थोड़ा इशू है भाई इसके, क्या पता ही कर पाएगी या नहीं। अभी तक तो काफ़ी सही जा रही है, थार की स्पीड है भाई वो हो सकता है गैस। ऑलमोस्ट एंडिंग पे पहुँच चुके हैं गैस, तो मेरे हिसाब से भाई थार ने भी ये वाला चैलेंज कर लेगी मेरे हिसाब से। आप देख सकते हो गैस एंडिंग पॉइंट पर आ चुके हैं हम लोग और भाई यहाँ से खुद आने वाले हैं हम लोग। तो गैस आपने देख ही लिया गैस थार ने कैसे स्मूथली ये वाला चैलेंज किया है कंप्लीट। गैस थार बनती है अपनी 6th कार टू क्वालिफाई दिस चैलेंज, आई मीन टू कंप्लीट दिस चैलेंज। तो गैस इसको लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में और भाई पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार के। तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार है वो है अपनी इनोवा। गैस देखते हैं भाई इनोवा ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है या नहीं। मेरे को तो लगता है गैस इसका काफ़ी अच्छा पिकअप है, तो गैस कर ले नीचे। बस यहाँ पे सस्पेंशन में थोड़ा इशू है इसके, बाकी सब कारों के जैसे नहीं है गैस इसका। और ये गैस ये जो इनोवा है इसका वाटर रेजिस्टेंस भी बहुत ही सही है भाई, आपने देखा ही होगा अपने लास्ट वीडियो में। देखते हैं भाई ये वाली जो ऑफ रोडिंग वाला चैलेंज है भाई ये कर पाती है। मेरे को तो लगता है भाई ये करनी चाहिए गैस, क्योंकि गैस ये भी काफ़ी अच्छी है और ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है ये सब कार। इंजन में थोड़ा प्रेशर आ रहा है गैस, लेकिन भाई ये कुछ इशू नहीं दे रही अभी तक। तो मेरे हिसाब से गाइस ये भी हो जाएगी शायद से क्वालिफाई। आप देख सकते हो गाइस अभी भी 60 की स्पीड पे है भाई, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत दिक्कत दे रही है भाई। भाई स्पीड का अपेल लग गए गाइस, लग गए। तो भाई अपने इनोवा की भी लग चुकी है मेरे हिसाब से, ऐसे मर मर के चल रही है ऊपर। लेकिन गाइस मेरे को लग रहा है इसको दिक्कत आना स्टार्ट हो चुकी है,
ये आपने देखा गाइस स्पीड ऑलमोस्ट कम हो गया था, लेकिन गाइस अपनी इनोवा ने कर दिया है रिकवर। और भाई रिकवर करते करते भाई पैंट बच गई इसका। अब आके भाई इंजन बंद हो चुका है लगता है इस पर, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। जवाब दे दिया गाइस इसका इंजन। गाइस थोड़े देर रुकते गाइस, इसको सांस लेने दो भाई इसके इंजन को। और आप देख सकते हो गाइस अपनी गाड़ी पीछे पीछे जा रही है भाई। तो मेरे हिसाब से भाई इनोवा हो चुकी है फेल। देखते गाइस क्या होता है। अरे यार चढ़ रही है नहीं भाई साहब गई गई। तो गाइज अपनी इनोवा भाई ये वाला चैलेंज हो चुकी है, मैं ये वाला चैलेंज हो चुकी है फेल। तो भाई इसको लगा देंगे साइड में और पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार को। तो भाई लोग अपनी जो क्रेटा है भाई, क्रिस्टा क्रेटा क्या बोल, अपनी टाटा इनोवा है भाई, वो हो चुकी है फेल। तो गाइज अपनी जो नेक्स्ट कार है वो है अपनी टाटा की हेक्सा। देखते हैं भाई हेक्सा ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है या नहीं। ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है लेकिन गाइज काफ़ी हैवी है भाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी है और बहुत ही बड़ी गाड़ी है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कारण की वजह से। अभी तक तो काफ़ी सही जा रही है भाई। यहाँ पे थोड़ा बहुत लोड आना स्टार्ट हो चुका है भाई। और भाई अभी तक तो काफ़ी सही जा रही है, 100 के स्पीड में ये अभी क्या बोलूँ मैं, 100 के स्पीड पे स्लो पे चल रही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। लेकिन भाई यहाँ पे आके चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि गाइज यहाँ पे आके जो स्लो पे गए जिसका जो डिग्री है स्लो का डिग्री चेंज हो जाता है और काफ़ी स्लिप रेट रखे गए आप देख सकते हो। लेकिन भाई अपनी हेक्सा ने भाई ये वाला चैलेंज कर दिया है कम्प्लीट, देख सकते हो काफ़ी स्मूथली आएगा इसके भारी भारी गाड़ी होने के बावजूद गए। तो भाई हेक्सा बनती है अपनी अगली कार टू कम्प्लीट दिस चैलेंज। तो भाई इसको भी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे गाइज। और भाई टाटा के हेक्सा के लिए गाइज एक लाइक तो बनता है भाई क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है भाई और इसने ये वाला चैलेंज कम्प्लीट कर दिया तो गाइज लाइक तो बनता है भाई। तो अपनी जो नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी ब्रेजा। तो गाइज देखते हैं भाई ब्रेजा ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है या नहीं, काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई ये ब्रेजा को। इसका तो भाई पूरा का पूरा कंट्रोल बेकार है गाइस, ये वाला जो गेम बनाया है भाई तो ये जो कार जिसने भी बनाई है गाइस उसने उसका कंट्रोल जो रहता है मतलब गाड़ी का जो बैलेंस होता है बहुत ही बेकार बनाया गया। इसको उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। तो आप लोग काफ़ी सही है इसके लिए लेकिन गाइस इसको कंट्रोल करने के वजह से थोड़ा इशू आता है इसको आप देख सकते हो। और गाइस ये देखा आप मैं जो आप जिसकी बात कर रहा था वही हो गया गाइस, कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई ये आ चुकी है भाई नीचे सीधी होने दो। तो गाइज मेरे हिसाब से तो गाइज इसको फेंक देंगे भाई, नहीं हो रही सीधी, हो गई। तो गाइज अपनी जो ब्रेजा है भाई वो हो चुकी है उल्टी यहाँ पे। और भाई साइड अपनी जो ब्रेजा है भाई वो हो चुकी है डिस्क्वालीफाई गाइस। तो इसको लगा देंगे साइड में और भाई पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की। और दो कार्स है भाई वो बची हुई है गाइस, एक है अपनी जीप और एक है अपनी 800। तो गाइस पढ़ते हैं अपने जीप के साथ। तो गाइस जीप में भी काफ़ी अच्छा पावर है भाई, तो हो सकता है गाइस ये वाली जो चैलेंज हो कर पाए कम्प्लीट। अब देख ही सकते हो बस काफ़ी तगड़े भाई, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है गाइस इसमें, काफ़ी सही जा रही है भाई। और भाई ये उठी है अपनी बैलेंस करना है बस इसको, स्पीड तो काफ़ी है इसमें तो ये हो जाएगी शायद क्वालिफाई भाई। पूरे पहाड़ों को चीरते हुए निकल के उबड़ खाड़ जो भी उबड़ खाबड़ वाला रोड है भाई उसको भी पार कर लिया है भाई बहुत ही आसानी से भाई। मज़ा आ रहा है इसको चलाने को, कोई दिक्कत नहीं दे रही भाई, और स्पीड पर है भाई ये क्या ही बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजन पर लोड आना स्टार्ट, लेकिन गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा पावर है ये गाड़ी में। भाई मेरे को नहीं लगता इसको कोई दिक्कत आएगा, देख ही सकते हो गाइस काफ़ी इजीली बाइक निकल रही है सब जगह से। और भाई क्या ही चल रही है भाई, मज़ा आ गया गाइस। तो जो अपनी जो जीप है गाइस उसने ये वाला जो चैलेंज है भाई वो कर दिया है कंप्लीट। आप देख सकते हो गाइस एंडिंग पॉइंट पे आ गया और गाइस जीप बनती है हमारी 8 कार टू क्वालिफाई दिस चैलेंज। तो गाइस जीप के लिए भाई एक लाइक बनता है गाइस, बहुत ही सही तरीके से भाई आई और भाई कंप्लीट कर दिया है भाई अपनी जीप ने ये वाला चैलेंज। तो गाइस जीप के लिए लाइक ज़रूर करना भाई नीचे जाके। तो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी आखिरी कार जो है अपनी मारुति 800। तो गाइस ये भी काफ़ी छोटी गाड़ी है भाई, डाउन की रेंज काफ़ी लो है लेकिन पिकअप बहुत ही तगड़ा है, देख सकते हो गाइस बहुत ही फास्ट जा रही है गाइस, स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन भाई हो सकता है कि भाई स्पीड की वजह से पर इसका जो वेट है काफ़ी हल्का है तो भाई हो सकता है कि उड़ के भाई सीधा नीचे वीचे गिर जाए क्योंकि गाइस इसका कुछ गारंटी नहीं है हल्की गाड़ी होने की वजह से। तो हो सकता है भाई ये हो सकता है एडजस्ट कर भाई, लेकिन गाइस इसका एक एडवांटेज है कि गाइस इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है भाई ये वाले गेम में।
अब देख सकते हो भाई चीटते हुए जा रही है, सब जो भी चैलेंज आ रहा है वो उसको पास करके जा रही है भाई उस रोड पे। मेरे को नहीं लगता कोई भी दिक्कत आएगा इसको। अभी आप देख ही सकते हो वैसे काफ़ी इजीली भाई निकल रही है भाई, बहुत स्मूथली जा रही है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, आराम से स्मूथली चला रहा हूँ मैं। एक्सीलेटर पे पैर दबा के मैं बैठा हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत इंजन में लोड आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता है इसको कुछ भी इशू आने वाला है, क्योंकि क्या इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है ये गेम में। तो भाई आप देख सकते हो कैसे एंड पॉइंट पे आ चुकी है, और भाई इसने भी कर दिया ये वाला चैलेंज कंप्लीट। यहाँ पे भाई थोड़ी गिरने वाली थी बच्चे। तो गाइस जो अपनी मारुति 800 है भाई वो 9th कार है भाई ये वाला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो मारुति 800 छोटी गाड़ी होने के बावजूद सबसे छोटी गाड़ी है भाई, ये वाला चैलेंज किया है कम्प्लीट। तो गाइस मारुति 800 के लिए भाई एक लाइक तो बनता है भाई। तो गाइस आप देख ही सकते हो गाइस ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्स है भाई जिन्होंने ये वाला जो चैलेंज कर दिया है कम्प्लीट। बाकी के सारे इंडियन कार्स भाई अपने धोखा दे गए भाई और वो हो गए फेल। तो गाइस ये सारे कारों के लिए भाई एक लाइक ज़रूर करना होगा, नीचे जाके कमेंट करना गाइस कि इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसका बेस्ट लगा। तो और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस कल के जो वीडियो है गाइस हम लोग ये वाला सेम ट्रैक यूज़ करने वाले हैं, लेकिन गाइस कल का वीडियो में हम लोग यहाँ से ऊपर से नीचे गाड़ी को लेके जाने गाइस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, और आप देखोगे अगर मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया हो लेकिन इसके बाद वो आपको देखने मिले गाइस काफ़ी गाड़ियों के भाई पूरी धज्जियाँ उड़ गई है गाइस। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा गाइस, मिस मत करना ये वाला। तो गाइस जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस आपको अगर ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से नीचे लेके जाने के लिए। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो होता है वो होगा यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस आपको पता है भाई क्या करना है। मैं आपको फिर से मिलूंगा हमारे अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।